नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन कल्चर में। दोस्तों आज यहाँ पर है, आप चित्र देख रहे हैं, चित्र तंत्रिका कोशिका का, और मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको तंत्रिका कोशिका क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये चित्र, इसके द्वारा हम समझेंगे तंत्रिका को जो कोशिका होती है वो क्या होती है, और दोस्तों इसके अनुसार हमारे जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो है इसका मेन चीज यानी ये है इसका केंद्रक, इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों केंद्रक हो चुका है, केंद्रक के बाद दोस्तों आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार, ये तो इनको बोलते हैं दोस्तों हम द्रुमाश्म, क्या बोल रहे दोस्तों द्रुमाश्म, ठीक है दोस्तों ये द्रुमाश्म। अब इनका क्या कार्य होता है दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, ये ऐसे अपने आप क्या होती है जुड़ी रहती है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती है तो क्या करती है, दूसरे जो तंत्रिका कोशिका है इससे जो जुड़ी हुई दूसरी तंत्रिका कोशिका है, तो उस तंत्रिका कोशिका जो आती है सूचनाएं आती है वो सूचनाएं उन जो होती है दोस्तों, यहाँ पर सिनेप्टिक पुटिका आपको दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं दोस्तों सिनेप्टिक पुटिका, क्या बोलते हैं दोस्तों सिनेप्टिक पुटिका। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक मिनट रुक लीजिए, मैं इसको लिख लेता हूँ सिनेप्टिक पुटिका, ठीक है दोस्तों। ये जो सिनेप्टिक पुटिका होती है दोस्तों, ये सिनेप्टिक पुटिका दूसरी जो तंत्रिका कोशिका यानी इससे जुड़ी जो तंत्रिका कोशिका है उसके यहाँ पर द्रुमाश्म में क्या करती है, एक सूचना जो सूचना होती है उसको इसके अंदर पहुंचाती है, और दोस्तों फिर इससे होती है ये, इसको बोलते हैं दोस्तों तंत्रिकाक्ष, क्या बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर क्या होता है, एक मायलिन का आवरण यहाँ पर पाया जाता है, मायलिन का आवरण बोलते हैं दोस्तों उसको। दोस्तों जब ये जो सिनेप्टिक पुटिका है ये इसके अंदर जब जो छोड़ती है यानी जो सूचनाओं का यानी इसके अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके द्वारा सूचनाओं को इसमें पहुंचाया जाता है, तो द्रुमाश्म के जरिए तो कोशिका का यानी ये जो पूरा मिलकर क्या बोला जाता है, कोशिका काय बोला जाता है। दोस्तों ये जो सूचना है कोशिका काय के अंदर आती है, फिर दोस्तों वापस इन सिनेप्टिक पुटिकाओं में आ जाती है, और इन सिनेप्टिक पुटिकाओं यानी अगली कोशिका के अंदर इस प्रकार भेज दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला भाग क्या कर रहा है, द्रुमाश्म कर रहा होता है, इसका कार्य मैंने आपको बता दिया कि जो सिनेप्टिक पुटिका होती है वो इसके अंदर इस प्रकार धसी होती है, और दोस्तों वो सिनेप्टिक पुटिका एक जो न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या करती है, स्त्रावण करती है, और उसके अंदर सूचनाएं होती है, तो ये सूचना दूसरी जो अगली तंत्रिका कोशिका है उसके ये जो कोशिका का है इतना वाला तो इसके अंदर आ जाती है, ये इसका क्या कर रहा था केंद्र कर रहा था। इसके बाद दोस्तों ये माइलिन आवरण यानी तंत्रिकाक्ष से होती हुई वापस जो अगले जो कोशिका है उसके सिनेप्टिक पुटिका है यानी इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुटिका है, तो इनके अंदर आ जाती है, और इनके अंदर आने से क्या करती है ये अगले जो होती है अगली जो कोशिका उसके द्रुमाश्म भेज देती है, और इस प्रकार दोस्तों एक जाल बना हुआ होता है, उस जाल को हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और उस तंत्रिका तंत्र की एक मुख्य इकाई जो वो है तंत्रिका कोशिका, ये चीज मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको यदि पता नहीं है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर आपको उस वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, आपको वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का थंबनेल फिर से दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ चुके होंगे तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना आप समझ चुके होंगे, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।